हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल जीडीसी क्लासेस में, यानी कि जीपैट डिस्कशन सेंटर में। जी हाँ, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद होगी अच्छे होंगे। हम फार्मासिस्ट की मैराथन सीरीज जो चला रहे हैं, उसी मैराथन सीरीज का आज हमारा फार्मास्यूटिक्स का अगला लेक्चर, अगला पार्ट होने वाला है। जी हाँ, ये सीरीज आपके हर फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। जी हाँ, चाहे वो MP फार्मासिस्ट, हरियाणा फार्मासिस्ट, रेलवे फार्मासिस्ट, SSC, SSC, एम्स, NHM, ISRO, सिपॉय, SCCL, NTPC, NTPC के बाद SBI हॉस्पिटल से लेकर के जो स्टेट गवर्नमेंट की फार्मासिस्ट की वैकेंसी होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फार्मासिस्ट की वैकेंसी होती है, मतलब ऑल टाइप ऑफ फार्मासिस्ट का जो एग्जाम होता है, सब एग्जाम में आपका ये सीरीज, ये मैराथन क्लासेस हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि सभी फार्मासिस्ट का जो सिलेबस पैटर्न है, उसी पैटर्न से ये मैराथन सीरीज भी डिजाइन की गई है। फार्मा पार्ट, नॉन फार्मा पार्ट, सब चीज का आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन, MCQ कराया जाएगा। इसकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है हमारे, इसी वीडियो के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे चैनल में तो वहां पर दिख जाएगी, और सारे सब्जेक्ट का आपको क्लास भी मिल जाएगा वीडियो सेक्शन में जाके। क्लियर है डियर? तो आप सारा वीडियो जो पिछला छूट गया है उसको भी देख लीजिएगा। आज की कड़ी में आज का जो सेशन, आज का जो वीडियो होने वाला है क्या होगा? जी हाँ, आपका फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट में किस प्रकार का, कौन सा टॉपिक होगा? मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म। जी हाँ, जो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म वगैरह होते हैं, उससे रिलेटेड हम कुछ MCQ को देखेंगे, लगभग 50 MCQ को। पिछले फार्मासिस्ट एग्जाम में इस टॉपिक से किस प्रकार के MCQ पूछे गए हैं, आने वाले एग्जाम में किस प्रकार के MCQ बन सकते हैं, सब चीज़ों की चर्चा यहाँ पे करेंगे, प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। पूरे सेशन में, पूरे वीडियो में बने रहिएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन न मिस न होने पाए, कोई आपको सोल्यूशन, कोई कॉन्सेप्ट, कोई एक्सप्लेनेशन मिस न होने पाए। जी हाँ, ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कीजिएगा जो फार्मासिस्ट का एग्जाम दे रहे हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं डियर मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म से। आज का जो हमारा पहला MCQ होने वाला है, क्या है, ध्यान देने वाली बात है, RRB फार्मासिस्ट 2019 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पे पूछा गया है? ऐसा लिक्विड ओरल प्रिपरेशन ऑफ विच वन और टू लार्ज डोजेस ऑफ अबाउट 50 ml आर गिवेन इन सिंगल डोज कंटेनर इज नोन एज। जी हाँ, ऐसा लिक्विड ओरल प्रिपरेशन जिसका एक या दो लार्ज डोज लगभग 50 ml का दिया जाता है, कब? सिंगल डोज में, सिंगल डोज कंटेनर में ऐसे हमारे लिक्विड ओरल प्रिपरेशन का डोज दिया जाता है, वो क्या कहलाता है? वो लिक्विड प्रिपरेशन क्या कहलाएगा? टिंचर्स कहलाएगा, ड्रॉप्स कहलाएगा, लिंक्टसिस कहलाएगा, या ड्रॉप्स कहलाएगा। देखो, लिक्विड प्रिपरेशन है, ओरल प्रिपरेशन है, और सिंगल टाइम में 50 ml, उससे ज़्यादा दिया जाता है, तो उसे हम बोलेंगे सिंपली क्या? ड्रॉप्स बोलेंगे। जी हाँ, ड्रॉप्स बोलेंगे। जी हाँ, आप देख सकते हो, ड्रॉप्स एक ऐसा प्रिपरेशन होता है जिसका, जी हाँ, ड्रॉप्स एक ऐसा प्रिपरेशन होता है लिक्विड ओरल, जो कि वन या दो, जो हमारा लास्ट डोजेज होता है वो 50 ml के डोज में इकट्ठा दिया जाता है, और ये हमारा सेपरेट कंटेनर में दिया जाता है। ये मेनली आपका टिंक्चर्स जो होते हैं, आपका अल्कोहलिक प्रिपरेशन वगैरह हुआ, ड्रॉप्स आपका ओरल नेजल में, तो ये कम ml वाले या स्मॉल वॉल्यूम वाले होते हैं, लार्ज वॉल्यूम में आपका ड्रॉप्स ही दिया जाता है। क्लियर है डियर? ये आपका RRB का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, HPSSB हिमाचल प्रदेश सर्विस सिलेक्शन बोर्ड 2020 का क्वेश्चन है। क्या है कि बोरिक एसिड इज फ्रीली सॉल्युबल इन, बोरिक एसिड फ्रीली सॉल्युबल होता है किसमें? वाटर में होगा फ्रीली सॉल्युबल, अल्कोहल में होगा, ग्लिसरीन में होगा, या क्लोरोफॉर्म में होगा। जी हाँ, बोरिक एसिड की बात कर लें तो फ्रीली सॉल्युबल ये हमेशा होगा ग्लिसरीन में। जी हाँ, फ्रीली सॉल्युबल की बात हो रही है। एक होता है सिर्फ सॉल्युबल, एक फ्रीली सॉल्युबल, स्पारिंगली सॉल्युबल, अलग अलग सॉल्युबल के क्राइटेरिया होते हैं। तो बोरिक एसिड फ्रीली सॉल्युबल आपका ग्लिसरीन में होता है। जी हाँ, फ्रीली सॉल्युबल ग्लिसरीन में होगा। किस में होगा? एक होगा हमारा वार्म वाटर में, नॉर्मल वाटर में नहीं, वार्म वाटर में फ्रीली सॉल्युबल होगा, या हॉट एथेनॉल में होगा, या फिर ग्लिसरीन में होगा। सॉल्युबल सिर्फ होगा वाटर में, फ्रीली नहीं, सिर्फ सॉल्युबल होगा वाटर में और एथेनॉल में, और प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है डाइथिल ईथर के अंतर्गत, बोरिक एसिड हमारा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, MPNHM 2022 का ही क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है डियर? रिगार्डिंग फार्मास्यूटिकल एलिक्सर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। जी हाँ, एलिक्सर के संबंध में, जी हाँ, एलिक्सर के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है, देखते हैं। प्रिजर्वेटिव आर रिक्वायर्ड इन ऑल एलिक्सर फॉर्मुलेशन, जितने भी एलिक्सर फॉर्मुलेशन होते हैं, क्या सब में प्रिजर्वेटिव हमारा जरूरी होता है? एलिक्सर क्या होता है? हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है,
तो क्या सब में हमारा प्रिजर्वेटिव इलिक्जर में होगा, या इलिक्जर रिक्वायर्ड होता है एडिशन ऑफ स्वीटनिंग एजेंट, इलिक्जर में स्वीटनिंग एजेंट का एडिशन रिक्वायर्ड होता है, या इलिक्जर जनरली मोर देन 10% अल्कोहल यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग इलिक्जर कंटेन करता है, या बोथ बी एंड सी स्टेटमेंट सही होगा। देखो सबसे पहले यहां पे बात कर लेंगे, जितने भी इलिक्जर फॉर्मेशन होते हैं वो हमारा प्रिजर्वेटिव सब में जरूरी नहीं होता। अगर 20% से ज्यादा यहाँ पे अल्कोहल है तभी प्रिजर्वेटिव वहां पे जरूरी नहीं होता, है ना। 20% से कम अल्कोहल जिसमें प्रिजर्व जिस इलेक्जर में रहेगा, 20% से कम अल्कोहल उसी में प्रिजर्वेटिव जरूरी है, सब में जरूरी नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ट्रू पूछा है, ट्रू तो आपका ये है कि भैया स्वीटनिंग एजेंट इलेक्जर में आपका रहता ही रहता है, और मोर देन 10 यानी कि 10 से 20% अल्कोहल यूएसपी के अकॉर्डिंग इलेक्जर में होता ही हो। तो यहाँ पे बी और सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है डियर। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा कि भैया जो इलिक्जर क्या होते हैं, स्वीट क्लियर हाइड्रोअल्कोहलिक लिक्विड होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट भी रहता है, स्वीटनिंग एजेंट भी इसमें पड़ता है, साथ ही साथ टेस्ट फ्लेवर को इनहांस करने के लिए, और कितना 10 से 20% अल्कोहल हमारा मैंडेटरी होता है ना। साथ ही साथ अगर प्रिजर्वेटिव की बात कर लें तो अगर मोर देन नॉट मैंडेटरी होता है किसमें, 20% से ज्यादा अल्कोहल अगर यूज है तो वहां पे प्रिजर्वेटिव की आवश्यकता नहीं होती, है ना। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सभी इलिक्जर में प्रिजर्वेटिव की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ 20% से कम जिसमें अल्कोहल की मात्रा होगी उसी में प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन है क्या, DSSSB 2021 दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड 2021 फार्मासिस्ट का क्वेश्चन है, क्या है, द एरोमेटिक वाटर यूज्ड एज कार्मिनेटिव फॉर इन्फेंट इन ग्राइप वाटर इज, जी हाँ, ऐसा एरोमेटिक वाटर जो कि एज ए कार्मिनेटिव एजेंट यूज किया जाता है ग्राइप वाटर, बच्चों का ग्राइप वाटर पिलाते थे जो आपके पेट वगैरह में कोलन वगैरह में गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस होता है उसी में तो ग्राइप वाटर देते हो, तो उसी ग्राइप वाटर में एज ए कार्मिनेटिव कौन सा वाटर, कौन सा एरोमेटिक वाटर यूज किया जाता है, उसे हम डिल वाटर बोलेंगे, एनीज वाटर बोलेंगे, क्लोरोफॉर्म वाटर बोलेंगे, या कैम्फर वाटर बोलेंगे। भैया क्लोरोफॉर्म कैम्फर ये सब वाटर थोड़ी मिलाया जाएगा, उसमें जो एरोमेटिक वाटर एज ए कार्मिनेटिव एजेंट मिलाया जाएगा उसे हम बोलते हैं डिल वाटर। जी हाँ, मेनली क्या बोला जाता है, उसे हम डिल वाटर बोलते हैं। आपके मेनली जो ग्राइप वाटर होते हैं ना बच्चों के जो ग्राइप वाटर होते हैं नॉन प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट होता है जो कि किससे रिलीव देता है, आपके कोलिक या अदर जो GI डिस्टर्बेंस या GI दिक्कतें होती हैं, डिस्कम्फर्ट होता है बच्चों में, वहां पे ग्राइप वाटर पिलाया जाता है। तो वहीं पे एज आपका कार्मिनेटिव एजेंट आपका डिल वाटर रहता है, डिल वाटर एज अ कार्मिनेटिव एजेंट वर्क करता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला MCQ वही दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड फार्मासिस्ट 2021 का क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड प्रिपरेशन इज अप्लाइड एक्सटर्नली टू द स्किन एंड नॉट इन द कैविटीज। हाँ जी, इनमें से कौन सा ऐसा लिक्विड प्रिपरेशन है जो कि स्किन पे अप्लाई किया जाता है, बॉडी के कैविटीज में अप्लाई नहीं किया जाता। तो देखो भैया, ईयर ड्रॉप आई सैक वगैरह में अप्लाई किया जाता है, यानी कैविटी में अप्लाई कर रहे हो, एनिमास जो आपका यूरेथ्रा में अप्लाई डाला जाता है, और कोलोडियन और डॉचेस वजाइना वगैरह में जब इन्फेक्शन होता है तब डाला जाता है। तो यहाँ ये तीनों तो कैविटीज में, लेकिन जो कोलोडियांस होता है ना, एक फ्लेक्सिबल लिक्विड प्रिपरेशन जो मिली टाका ओका को सुखाने में उसको फिक्स करने के लिए लगाया जाता है, ये आपका कैविटीज में ना होके एक्सटर्नली स्किन पे अप्लाई किया जाता है। यही तो पूछा गया है, कौन सा लिक्विड प्रिपरेशन एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है, कैविटीज में अप्लाई नहीं किया जाता। तो आपका मेनली क्या होगा, कोलोडियांस होगा। कौन सा प्रिपरेशन, कोलोडियांस होता है मेनली, जब आपका एक क्या होता है, पाइरोजोलिन या नाइट्रोसेल्यूलोज कंटेन करता है एथिल ईथर और एथेनॉल के में, है ना। ये आपका जो वुंड वगैरह होता है स्किन वगैरह पे ना सॉफ्ट ब्रश से अप्लाई किया जाता है, उसको स्टेबल करने के लिए होता है। बाकी ईयर ड्रॉप की बात करें, एनिमाज की बात करें, डाउचेस की बात करें, सब के सब कैविटी किन किन्हीं बॉडी कैविटीज के अंतर्गत यूज किए जाते हैं। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं डियर। HPSSC 2018 फार्मासिस्ट का क्वेश्चन है, क्या है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड इन फेरस आयोडाइड सिरप एक्ट एज, जी हाँ, फेरस आयोडाइड सिरप के अंदर हाइपोफॉस्फोरस एसिड किस तरीके से एक्ट करेगा, एज ए एंटीऑक्सीडेंट एज करेगा, या एज ए सस्पेंडिंग एजेंट, एज ए हिमेटिनिक, एज ए प्रिजर्वेटिव। देखिए फेरस आयोडाइड सिरप की बात हो रही, तो वहां पे हाइपोफॉस्फोरस उसको ऑक्सीडेशन से बचाने का काम करेगा, यानी कि एज ए एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है। जी हाँ, यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा कि ऑफिशियल इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट की बात की जाए
तो आपका हाइपोफास्फोरस एसिड हुआ, आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे चीज हमारे सिरप में एज एंटीऑक्सीडेंट यूज किए जाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। केरला फार्मासिस्ट का क्वेश्चन है 2018 का, क्या पूछा गया है? विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन यूज ओरली फॉर द रिलीफ ऑफ कफ। जी हाँ, एक ऐसा विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन जो कि ओरली यूज किया जाता है आपके कफ वगैरह को दूर करने के लिए, उसे हम गार्गल बोलेंगे, ड्रॉप्स बोलेंगे, एलिक्सर बोलेंगे या लिंक्टसेस बोलेंगे। भैया विस्कस ओरल प्रिपरेशन जो कफ को दूर करता है उसे हम लिंक्टसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंक्टसेस बोलते हैं। जी हाँ, लिंक्टसेस मेनली क्या होता है? सोर थ्रॉट या कफ वगैरह को दूर करता है। ड्रॉप आपका ओरल नेजल आई एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है। गार्गल आपका मुंह के जो हमारे लोकल इफेक्ट नेजो फायरिंग्स और जो फायरिंग्स में समस्याएं होती हैं, है ना। एलिक्सर आपका मेनली आपका हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन वगैरह होता है ना, जो मुंह के और गले से रिलेटेड जो समस्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कफ को दूर करने के लिए मेनली लिंक्टसेस का यूज किया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ये भी केरला फार्मासिस्ट 2018 क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? ध्यान से पढ़ेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे कौन सी टेक्निक है जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की सॉलिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज की जाती है एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल बाय एडिशन ऑफ वाटर मिसबिल सॉल्वेंट इन विच द ड्रग हैज गुड सॉलिबिलिटी। जी हाँ, इनमें से कौन सी ऐसी फॉलोइंग टेक्निक होती है जो कि क्या यूज की जाती है? यूज की जाती है वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉलिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, साथ ही साथ नॉन पोलर मॉलिक्यूल की भी सॉलिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। किसके द्वारा? बाय द एडिशन ऑफ वाटर मिसबिल सॉल्वेंट के एडिशन के द्वारा, जो कि ड्रग में गुड सॉलिबिलिटी रखती है, वो टेक्निक हमारी कहलाएगी कॉम्प्लेक्सेशन, सॉलिबिलाइजेशन, हाइड्रोट्रॉपी और को सॉल्वेंसी। भैया वीक इलेक्ट्रोलाइट की सॉलिबिलिटी को इंक्रीज करना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल की सॉलिबिलिटी को इंक्रीज करना और वाटर मिसबिल सॉल्वेंट का एडिशन करके, तो वो हमारा को सॉल्वेंसी कहलाएगी, है ना। को सॉल्वेंसी, जो सॉल्विल नहीं है उसकी सॉलिबिलिटी को इंक्रीज करता है, मिलाया जाता है, वाटर मिसबिल सॉल्वेंट होता है, क्या होता है वो? को सॉल्वेंसी कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा डियर? को सॉल्वेंसी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ये भी एमपी फार्मासिस्ट 2017 का क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेशन वुड बी कंसीडर्ड एज ओरोफेरिंगियल फॉर्मुलेशन। जी हाँ, इनमें से कौन सा फॉर्मुलेशन ओरोफेरिंगियल फॉर्मुलेशन कंसीडर किया जाएगा? ओरोफेरिंगियल है ना, फायरिंग से लेकर के ओरल जो आपका एलिमेंट्स होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए, वो हम लिंक्टसेस बोलेंगे, माउथ वॉश बोलेंगे, एलिक्सर बोलेंगे अथवा सिरप बोलेंगे। तो मेनली ओरोफेरिंगियल में आपका माउथ वॉश होता है, ओरल कैविटी और फेरिंग्स वगैरह में जो आपके बदबू हो गया या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया उसको ट्रीट करने के लिए माउथ वॉश हमारा एज अ ओरोफेरिंगियल फॉर्मुलेशन में क्लासिफाइड किया जाता है। क्लियर है डियर? फिर आगे चलते हैं। अगला एमसीक्यू SIHFW स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फार्मासिस्ट 2016 का क्वेश्चन है, राजस्थान फार्मासिस्ट में। क्या पूछा गया है? व्हाट इज लिनिमेंट? लिनिमेंट क्या होता है? एक ऐसा लिक्विड मेडिकामेंट जो कि स्किन पे या अफेक्टेड एरिया पे फ्रिक्शन के साथ रगड़ के अप्लाई किया जाएगा, या ऐसा लिक्विड मेडिकामेंट है जो कि एज अ पेंट अप्लाइड किया जाता है, या इनेमा यानी कैविटी में दिया जाता है, या ओरली दिया जाता है। भैया लिनिमेंट हमने यही तो जाना है, विथ फ्रिक्शन, विथ रबिंग, जब स्किन पे या अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई करोगे तो उस प्रिपरेशन को हम, उस मेडिकामेंट को क्या बोलेंगे? लिनिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे डियर? लिनिमेंट विल बी द राइट आंसर, है ना। अनब्रोकन स्किन पे या हमारे जो भी अफेक्टेड एरिया है वहां पे क्यूटेनियस एप्लीकेशन करते हैं विथ रबिंग, है ना, तो वो हमारा लिनिमेंट कहलाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। महाराष्ट्र फार्मासिस्ट 2012 का क्वेश्चन है ये। क्या पूछा गया है? द टर्म हाइड्रोट्रॉफी इज यूज्ड टू डिनोट। जी हाँ, हाइड्रोट्रॉफी टर्म यूज किया जाता है क्या डिनोट करने के लिए? वाटर अपटेक कैपेसिटी को डिनोट करने के लिए, या वाटर रिपल्सन कैपेसिटी, एक वाटर अपटेक या एक वाटर रिपल्सन, या इंक्रीज इन एक्वस सॉल्युबिलिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एडिटिव। लार्ज अमाउंट ऑफ एडिटिव के प्रेजेंट में एक्वस सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हाइड्रोट्रॉफी बोला जाता है, या वेटिंग एबिलिटी को। तो भैया देखो, हाइड्रोट्रॉफी हमने आपने पढ़ा भी होगा, जानते भी होंगे कि इंक्रीज करता है एक्वस सॉल्युबिलिटी किसके का? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एडिटिव, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोट्रॉफी। क्या बोलेंगे? हाइड्रोट्रॉफी। महाराष्ट्र फार्मासिस्ट का क्वेश्चन है। जी हाँ, हाइड्रोट्रॉफी क्या होता है?
इंक्रीज करता है सॉल्युबिलिटी वाटर में वेरियस सब्सटेंसेस का, किस कारण से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एडिटिव, इट इज नोन एज हाइड्रोट्रॉफी। जी हाँ, हाइड्रोट्रॉफी को सॉल्वेंसी, ये सब टर्म से क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान फार्मासिस्ट 2012 में पूछा गया है, क्या है? द फॉलोइंग स्पेशल लेबलिंग इंस्ट्रक्शन ऑन लिंक्टसेस शुड बी ऑन इट्स लेबल। जी हाँ, लिंक्टसेस प्रिपरेशन है तो उस पर लेबलिंग में, लेबल में क्या चीज मेंशन होनी चाहिए, क्या फॉलोइंग चीज मेंशन होनी चाहिए? कि ये सॉलो नहीं किया जा सकता, या टू बी एडेड टू हॉट बट नॉट इन बॉइलिंग वाटर एंड वेपर इनहेल फॉर 5 to 10 minutes, या इसे हॉट वाटर में ऐड किया जाएगा, बॉइलिंग वाटर में नहीं किया जाएगा, और इसका वेपर 5 से 10 मिनट के अंदर इनहेल कर लिया जाएगा। लिंक्टसेस की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, या सिप एंड सॉलो विदाउट एडिशन ऑफ वाटर, लिंक्टसेस है ना, या टू बी टेकन आफ्टर डाइल्यूटिंग विद वाटर, वाटर के साथ डाइल्यूट करके लेना है। भैया लिंक्टसेस ऐसी प्रिपरेशन होती है जिन्हें सिप करना है, सॉलो करना है बिना वाटर के एडिशन के, यही लेबल आपका लिंक्टसेस में मेंशन होना चाहिए, ठीक है? लिंक्टसेस में क्या होना चाहिए, स्मॉल डोजेस में आपको सिप करना है, सॉलो करना है स्लोली बिना वाटर से डाइल्यूट किए, और मैक्सिमम इफेक्ट आपको मिल जाएगा। एक्सपेक्टोरेंट हो सकता है, डिमल्सेंट सीडेटिव, कुछ भी हो सकता है आपके लिंक्टसेस में, क्लियर है? तो ये आपका मेंशन रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, राजस्थान फार्मेसी 2012 का ये भी क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है? इन द प्रिपरेशन ऑफ कैलामाइन लोशन सोडियम सिट्रेट इज यूज्ड एज अ, कैलामाइन लोशन की प्रिपरेशन के दौरान सोडियम सिट्रेट का यूज होता है एज अ सस्पेंडिंग एजेंट, या एज अ सॉल्युबिलाइजर, एज अ बफरिंग एजेंट, या एज अ बैक्टीरियो स्टैटिक एजेंट। भैया सोडियम सिट्रेट की बात हो रही है तो ये हमेशा एज अ बफरिंग एजेंट की तरह यूज होगा। जी हाँ, बफरिंग एजेंट की तरह हमारा सोडियम सिट्रेट यानी कि पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है, किसमें? कैलामाइन लोशन के अंतर्गत, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, अगला एमसीक्यू इसरो फार्मासिस्ट 2017 का क्वेश्चन है, क्या है? ग्लिसरॉल मे बी यूज एज अ प्रिजर्वेटिव इन परसेंटेज ऑफ 15%, 51% या 20%। जी हाँ, जो ग्लिसराल एज ए प्रिजर्वेटिव हम यूज करते हैं प्रिपरेशंस में, कितने परसेंट में यूज किया जा सकता है? 15, 50, 1 या 20? तो उसका राइट आंसर होगा 50% तक, है ना, 50% में ग्लिसराल का यूज होगा, ठीक है, एज अ प्रिजर्वेटिव, ठीक है डियर? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एमसीपीई मोहल्ला क्लिनिक फार्मासिस्ट एग्जाम 2022 में पूछा गया है, क्या? द एक्सटेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ ZNO यानी कि जिंक ऑक्साइड इन कैलामाइन लोशन विल बी, जी हाँ, वुड बी, सॉरी, कैलामाइन लोशन के अंतर्गत जिंक ऑक्साइड का परसेंटेज कितना होना चाहिए? 99% होना चाहिए, 100% होना चाहिए, 96 या 98? भैया कैलामाइन लोशन आपके जिंक ऑक्साइड के अंदर मिनिमम 98% होना चाहिए। जी हाँ, सॉरी, जिंक ऑक्साइड कैलामाइन लोशन में, है ना, कितना होना चाहिए? 98% जिंक ऑक्साइड होगा, और पिंक विथ कलर, पिंक कलर हमारा फेरिक ऑक्साइड 2% होगा, है ना, ब्लेंड किया जाएगा और एंटीप्यूटरिक प्रॉपर्टीज में रखेगी, ठीक है डियर? जिंक कार्बोनेट या जिंक ऑक्साइड पड़ सकता है। चलिए आगे चलते हैं, हमीरपुर फार्मासी 2021 में पूछा गया है, फ्लूड प्रिपरेशन अप्लाइड टू स्किन विदाउट फ्रिक्शन। जी हाँ, ऐसे लिक्विड या ऐसे फ्लूड प्रिपरेशन जो स्किन पे बिना फ्रिक्शन के अप्लाई किए जाते हैं, रगड़े नहीं जाएंगे, बिना फ्रिक्शन के अप्लाई किए जाएंगे, उसे लिनीमेंट बोला जाएगा, लोशन बोला जाएगा, जेलीज या क्रीम बोला जाएगा। भैया चाहे लिनीमेंट हो, जेलीज हो, क्रीम हो, ये तीनों तो हमारे, है ना, वैसे अप्लाई किए जाएंगे, लेकिन बिना फ्रिक्शन के हमेशा लोशन को अप्लाई किया जाता है। जी हाँ, जो लोशन वगैरह होता है वो स्किन पे बिना फ्रिक्शन के अप्लाई किया जाएगा, लोशन हमारा देख सकते हो विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई किया जाएगा, ठीक है डियर? आगे चलते हैं, सिंपल सिरप इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, फ्रक्टोज, डेक्सट्रोज या नानादेव। भैया सिंपल सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसका होता है? वाटर में क्या मिलाया जाता है? सुक्रोज ही तो मिलाया जाता है। जी हाँ, सुक्रोज का सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है सिंपल सिरप, जिसके अंतर्गत 66% वेट बाई वेट हमारा क्या होगा? सुक्रोज होगा, वाटर के अंतर्गत, प्योरिफाइड वाटर के अंतर्गत वो हमारा सिंपल सिरप हो गया, क्लियर है? यानी सुक्रोज हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसका होगा। चलिए आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिरप। यहाँ पे कौन सा सिरप का टाइप नहीं है? क्या वो सिंपल सिरप सिरप का टाइप नहीं है? मेडिकेटेड सिरप, फ्लेवर्ड सिरप
या मिक्स्ड सिरप। भैया सिंपल सिरप आईपी आप लोग जानते ही हो, मेडिकेटेड सिरप मेडिकेशन रहता है जिसमें मेडिकामेंट मिले होते हैं, फ्लेवर्ड सिरप फ्लेवर्ड वाले सिरप होते हैं मेडिसिनल वैल्यू के साथ, लेकिन यहाँ मिक्स्ड सिरप कोई सिरप का टाइप नहीं होता है। जी हाँ, नॉट पूछा है तो नॉट आपका यही होगा, ठीक है, मिक्स्ड सिरप आपका नहीं होगा, जबकि मेडिकेटेड सिंपल फ्लेवर्ड रहेगा, है ना। जब हमारा प्योरीफाइड वाटर आपका यूज किया जाता है सिरप को बनाने के लिए सिक्रोज के साथ, जब हमारा मेडिसिनल सबस्टांस होगा तो उसे मेडिकेटेड बोलेंगे, फ्लेवर्ड में आपका जो फ्लेवर्ड वगैरह होगा, है ना, रास्बेरी हो गया, चेरी हो गया, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के सिरप हुए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल ऑयल और वोलाटाइल सबस्टांसेस। जी हाँ, वोलाटाइल ऑयल या वोलाटाइल सबस्टांस का सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? इलिक्जर, एरोमेटिक वाटर, लिनिमेंट या स्पिरिट्स। भैया वोलाटाइल ऑयल या वोलाटाइल सबस्टांस की बात हो रही है तो हमेशा एरोमेटिक वाटर की बात होगी। किसकी बात होगी? एरोमेटिक वाटर सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन होता है किसका? वोलाटाइल ऑयल और वोलाटाइल सबस्टांस का। क्लियर है? एरोमेटिक वाटर वगैरह की बात की जाए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है ना, रोज ऑयल, पिपरमेंट ऑयल, ये सारी चीज क्लियर है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेडिकेटेड इलिक्जर एक्सेप्ट वन। जी हाँ, यहाँ पे तीन नॉन मेडिकेटेड इलिक्जर है, एक नहीं है। चलो, एरोमेटिक वाटर, आइसो अल्कोहलिक, पेडरेटिक या कंपाउंड बेंजल्डिहाइड। भैया नॉन मेडिकेटेड इलिक्जर आपका कौन कौन सा है? ये तीनों है, लेकिन पेडरेटिक इलिक्जर आपका नॉन मेडिकेटेड नहीं है, मेडिकेटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नॉन मेडिकेटेड में आपका ये तीन हो जाएगा, एरोमेटिक, आइसो अल्कोहलिक, कंपाउंड बेंजल्डिहाइड, ये सब हमारे नॉन मेडिकेटेड इलिक्जर हुए, जबकि पेडरेटिक हमारा मेडिकेटेड होगा। चलिए आगे चलते हैं, ऑन कॉमर्शियल स्केल इमल्सन आर प्रिपेयर्ड बाय। जी हाँ, कॉमर्शियल स्केल पे, लार्ज स्केल पे, बड़े स्केल पे इमल्सन किस टेक्निक के द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा? सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा, डायलिसिस के द्वारा, फ्रीजिंग टेक्निक के द्वारा या होमोजिनाइजेशन टेक्निक के द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा डियर, होमोजिनाइजेशन टेक्निक। क्या होगा? होमोजिनाइजेशन टेक्निक ऐसे टेक्निक है जब हमारा सिवल्सन इमल्सिफायर, रेपिसोनिक अल्ट्रासोनिफिकेशन, ये सब हमारे इमल्सन के लार्ज स्केल या कॉमर्शियल स्केल के मैकेनिकल स्टरर हो गया, ये सारी चीजें हमारे क्या होते हैं? इमल्सन बनाने के लार्ज स्केल टेक्निक या मेथड हो गए, जबकि स्मॉल स्केल में पिस्टल मोटर, ये सारी चीजें हो गई, ट्राइचुरेशन से हो गया, है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक प्रिजर्वेटिव एक्सेप्ट वन। यहाँ पे एसिडिक प्रिजर्वेटिव का एग्जाम्पल आइडेंटिफाई करना है, एक कोई और प्रिजर्वेटिव होगा। तो भैया क्लोक्रिसॉल एसिडिक है, बेंजोइक एसिड भी एसिडिक है और फिनॉल भी एसिडिक है, लेकिन यहाँ पे क्लोरब्यूटोनॉल, क्लोरोब्यूटोनॉल आपका क्या है? एक्सेप्शन है, न्यूट्रल आपका प्रिजर्वेटिव है, न्यूट्रल है। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोरब्यूटोनॉल क्या है? न्यूट्रल प्रिजर्वेटिव होगा, जबकि एसिडिक में फिनॉल, क्लोरक्रिसॉल, सॉर्बिक एसिड, बेंजोइक एसिड, बोरिक एसिड और उसके जितने भी सॉल्ट हो गए। न्यूट्रल में ही क्लोरब्यूटोनॉल, बेंजील अल्कोहल हो गया, मर्क्यूरियल में थायोमर्साल, नाइट्रोमर्साल हो गया, क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड में बेंजाइल कोनियम क्लोराइड, सेटिल पिरिडिनियम क्लोराइड हो गया। तो ये आप याद कर सकते हो, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट डिफिनीशन ऑफ एलिक्जर। एलिक्जर का करेक्ट डिफिनीशन यहाँ पे चूज करो कि ये स्वीटेंड हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन होगा, या प्लेन हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन होगा, या स्वीटेंड एक्वस सॉल्यूशन होगा, या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो भैया यहाँ पे एलिक्जर हमेशा क्या देखा था हमने? स्वीटेंड हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है, वाटर भी होगा, अल्कोहल भी होगा और स्वीटनर इसमें मिलाया जाएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एलिक्जर। मेनली आपका एलिक्जर होता है स्वीटन हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन बोला जाता है, क्लियर है। लिक्विड प्रिपरेशन ओरल यूज के लिए होता है, क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ पैराबीन इन सिरप इज। पैराबीन जो मेथिल पैराबीन, प्रोपिल पैराबीन सिरप में डालते हैं, उसका क्या पर्पज होता है? वो एज अ स्टेबलाइजर एक्ट करेगा, या एज अ प्रिजर्वेटिव एक्ट करेगा, एज अ बफरिंग एजेंट या बफर साइज करेगा, या एज अ थिकनर या थिकनिंग एजेंट एक्ट करेगा। तो भैया पैराबीन की बात होती है तो हमेशा एज अ प्रिजर्वेटिव, मेथिल पैराबीन, प्रोपिल पैराबीन, ये सब प्रिजर्वेटिव ही तो है, बहुत स्मॉल अमाउंट में सिरप के अंतर्गत मिलाए जाते हैं, वो स्पॉइल होने से, खराब होने से रोकते हैं, ग्रोथ ऑफ फंजाई बैक्टीरिया को रोकते हैं, सेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं, है ना, प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होते हैं पैराबीन्स, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? साइक्लिक ओलिगोमर्स
ऑफ ग्लूकोज, जी हाँ, साइक्लिक ओलिगोमर्स ऑफ ग्लूकोज दैट फॉर्म वाटर सॉल्युबल इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस, जी हाँ, एक ऐसे साइक्लिक ओलिगोमर ऑफ ग्लूकोज जो कि क्या फॉर्म करते हैं, वाटर सॉल्युबल इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, जो कि बायोकंपेटिबल होते हैं और ड्रग की बायबिलिटी को भी इंप्रूव करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, कौन सा सबस्टांस होगा, क्लोरोफिल पॉलीथाइन ग्लाइकॉल होगा, क्रॉस पोविडोन होगा या साइक्लोडेक्सट्रिन होगा, जी हाँ, ऐसा साइक्लिक ओलिगोमर ग्लूकोज का जो कि वाटर सॉल्युबल इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स बनाता है और बायबिलिटी उसकी इंप्रूव करता है ड्रग की और बायोकंपेटिबल भी होता है, वो है एग्जांपल किसका, साइक्लोडेक्सट्रिन, जी हाँ, साइक्लोडेक्सट्रिन इसका राइट आंसर होगा भैया। साइक्लोडेक्सट्रिन अलग अलग फॉर्म में होते हैं जो कि सुगर मॉलिक्यूल से बाउंड होता है एक दूसरे से और वेरियस साइज में, जो कि क्या करता है, बायबिलिटी वगैरह को इंक्रीज करता है, एक्वस सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है, सब कुछ है ना, ये हो गया साइक्लोडेक्सट्रिन। चलिए आगे चलते हैं, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अल्कोहलिक प्रिपरेशन, इनमें से कौन सा अल्कोहलिक प्रिपरेशन का एग्जाम्पल है, क्या वो इलिक्सर है, स्प्रिट है, कोलोडियन है या बोथ ए एंड बी है, भैया हमने यही तो बताया था, इलिक्सर भी हाइड्रो अल्कोहलिक, स्प्रिट भी हाइड्रो अल्कोहलिक, यानी बोथ ए एंड बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि भैया स्प्रिट भी हाइड्रो अल्कोहलिक, इलिक्सर भी हाइड्रो अल्कोहलिक, ये दोनों हमारा क्या है, ये हमारे हाइड्रोअल्कोहलिक सोल्यूशन हुआ है, जबकि कोलोडियन आपका पाइरोजाइलिन यानी एक नाइट्रोसेल्यूलोज कंटेन करता है, क्लियर है। आगे चलते हैं, फॉर बिटर ड्रग इन पेडियाट्रिक फॉर्मुलेशन एक्सीलेंट फ्लेवरिंग एजेंट विल बी, जी हाँ, अगर पेडियाट्रिक फॉर्मुलेशन है, बच्चों की दवाई है, सिरप वगैरह है, तो उसमें एक्सीलेंट फ्लेवरिंग एजेंट किसे यूज कर सकते हो, रास्पबेरी सिरप, ऑरेंज सिरप, बोथ ए एंड बी या ब्लैक करंट सिरप, तो भैया बिटर ड्रग यानी बिटर टेस्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम रास्पबेरी सिरप का भी यूज करते हैं और ऑरेंज फ्लेवर सिरप का भी यूज किया जाता है, यानी बोथ ए एंड बी हमारा राइट हो जाएगा, कि ये हमारा बिटर यानी एक बिटर टेस्ट को क्या करता है, ऑरेंज हो गया, रास्पबेरी हो गया, इंक्रीज करने डिक्रीज करने का काम करता है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एस्टर डिराइव्ड प्रिजर्वेटिव, इनमें से कौन सा एस्टर डिराइव्ड प्रिजर्वेटिव का एग्जाम्पल है, भैया मेथिल पैराबीन एस्टर डिराइव है, बेंजल कोनियम क्लोराइड एस्टर ड्राइव है, बेंजोइक एसिड है या एथेनॉल है, भैया एस्टर ड्राइव यहाँ पे होगा मेथिल पैराबीन, प्रोपिल पैराबीन, जबकि ये सब हमारे क्या है, कोई एसिडिक है, कोई न्यूट्रल है ना, तो यहाँ पे देख सकते हो एस्टर ड्राइव में पैराबीन्स हो जाते हैं, मेथिल पैराबीन, प्रोपिल पैराबीन, ब्यूटिल पैराबीन, ये सब सारे एस्टर ड्राइव हो गए, अल्कोहल में एथेनॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, एसिड में बेंजोइक एसिड, सॉर्बिक एसिड और क्वार्टनरी अमोनियम में बेंजल कोनियम क्लोराइड, ठीक है, अलग अलग हमारे प्रिजर्वेटिव के टाइप हो गए, इसका एग्जाम्पल आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा भी जाता है। चलिए आगे चलते हैं, कार्बापॉल एक्ट एज अ इन सॉल्यूशन फॉर्मुलेशन, कार्बापॉल सॉल्यूशन फॉर्मुलेशन में एज अ जेलिंग एजेंट यूज किया जाता है, एज अ सॉल्युबिलिटी इनहांसर यूज किया जाता है, एज अ कोसॉल्वेंट यूज किया जाता है, एज अ एंटीऑक्सीडेंट यूज किया जाता है, तो भैया कार्बापॉल हमेशा सॉल्यूशन फॉर्मुलेशन में एज अ थिकनर या जेलिंग एजेंट या विस्कोसिटी इनहांसिंग एजेंट की तरह यूज किया जाएगा, किसमें, सॉल्यूशन फॉर्मुलेशन में, किसमें, सॉल्यूशन फॉर्मुलेशन में कार्बापॉल की बात की जाए, एचपीएमसी की बात की जाए, विस्कोसिटी या कंसिस्टेंसी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन्वर्जन इन केस ऑफ सिरप फॉर्मुलेशन, जी हाँ, सिरप फॉर्मुलेशन में इन्वर्जन जो इन्वर्ट वगैरह होता है ना, उसका क्या पर्पस होता है, माइक्रोबियल ग्रोथ को रिड्यूस करना पर्पस होगा या ऑक्सीडेशन को कम करना, ऑक्सीडेशन ना होने देना वो पर्पस हुआ, या दोनों पर्पस हुआ या कोई पर्पस नहीं हुआ, तो भैया इन्वर्जन हमेशा अगर सिरप में हो रहा है फॉर्मुलेशन में तो हमेशा दो चीज को परफॉर्म करता है, माइक्रोबियल ग्रोथ को रिड्यूस करेगा और ऑक्सीडेशन को होने नहीं देगा, यहां पे इन्वर्जन का ये दोनों चीज होगा कि भैया ऑक्सीडेशन भी रोकता है, माइक्रोबियल कंसंट्रेशन यानी माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म को भी रिड्यूस करने का काम करता है, ठीक है डियर। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सिरप मस्ट बी, सिरप की स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए कितनी, 1.313, 1.213, 2.313 या 1.333, तो भैया सिरप की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा 1.313 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 1.313 होनी चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है कंसंट्रेशन को ऑब्टेन करने के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है डियर। चलिए आगे चलते हैं, कैप्स लॉकिंग फिनोमिना इज एसोसिएटेड विथ, जी हाँ, कैप्स लॉकिंग
जो कैप वगैरह लॉक हो जाता है, जो क्रिस्टल जम जाते हैं ना, किसमें एसोसिएटेड है, किससे है? कोलोडियान से, सिरप से, एलिक्जर से या लिनिमेंट से? भैया जिसके कैप में क्रिस्टल वगैरह सॉलिड बन जाते हैं वो सिरप ही तो हुआ, सिरप में ही तो सॉलिड बन जाता है उसका सब्सटेंस सूख के। तो ये कैप लॉकिंग फिनोमिना हमेरा शुगर वाले सिरप में होता है। क्यों? क्योंकि हार्ड शुगर का फॉर्मेशन हो जाता है बॉटल में, जिससे कैपिंग में प्रॉब्लम होती है। तो ये फिनोमिना कैप लॉकिंग हमेशा सिरप से रिलेटेड है, सिरप से रिलेटेड है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ह्यूमेक्टेंट आर यूज इन विच फॉर्मुलेशन? ह्यूमेक्टेंट किस फॉर्मुलेशन में यूज किया जाता है? गार्गल्स में यूज किया जाएगा, माउथ वॉशेज में यूज किया जाएगा, एनेमाज में यूज किया जाएगा, या नेजल सोल्यूशन में? भैया ह्यूमेक्टेंट का काम क्या है? मॉइस्चर वगैरह को बनाए रखना है ना, तो वो हमेशा माउथ वॉश में जरूरत होती है, कि मुंह को ठंडा रखना, नमी रखना, उसमें बैक्टीरियल वगैरह को दिक्कत दूर करना, बदबू को दूर करना, तो वो हमारा माउथ वॉश में हमेशा ह्यूमेक्टेंट यूज होगा। देखा, माउथ वॉश का यहाँ पे फॉर्मुलेशन है, अल्कोहल होगा 10 से 20%, ह्यूमेक्टेंट 5 से 20%, सर्फेक्टेंट होता है, फ्लेवर होता है, कलरिंग एजेंट होता है। तो ये आपका स्वीटनर वगैरह, और ये विस्कोसिटी वगैरह को भी इनहांस करता है, ग्लिसरीन सॉर्बिटलाइजर, ह्यूमेक्टेंट भी यूज होंगे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। क्या है? व्हेन नॉन पोलर सबस्टांस आर डिजॉल्व इन अ पोलर सबस्टांस सॉल्वेंट, सॉरी नॉन पोलर सब्सटेंस है वो पोलर सॉल्वेंट में अगर डिजोल्व किया जा रहा है सर्फेक्टेंट का यूज करके, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? HLB, सॉल्युबिलाइजेशन, इमल्सिफिकेशन या गेटाटिनाइजेशन? तो भैया यहां पे अगर नॉन पोलर को पोलर में सॉल्वेंट में डाला जा रहा है सर्फेक्टेंट का यूज करके, तो उसे हम सॉल्युबिलाइजेशन ही तो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलाइजेशन विल बी द राइट आंसर, जब हमारा स्पॉन्टेनियस जो वाटर सॉल्युबल सॉल्यूट मॉलिक्यूल यानी कि नॉन पोलर हमारा है ना, पोलर वगैरह में सर्फेक्टेंट का यूज करके उसे हम सॉल्युबिलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, ये आपका कोसॉल्वेंसी कॉम्प्लिकेशन ये सब हमने बता भी दिया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट यूज एज अ ब्लॉकिंग एजेंट इन स्टराइल प्रोडक्ट इज, जी हाँ, स्टराइल प्रोडक्ट में ब्लॉकिंग एजेंट वाला जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट दो प्रकार के, एक ब्लॉकिंग एजेंट एक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ब्लॉकिंग एजेंट हमारा कौन सा है? अस्कॉर्बिक एसिड इस्टर होता है, सोडियम बाइसल्फेट होगा, अस्कॉर्बिक एसिड या EDTA होगा। तो भैया ब्लॉकिंग एजेंट हमेशा अस्कॉर्बिक एसिड इस्टर होगा, जबकि आपका ये देखो ब्लॉकिंग एजेंट अस्कॉर्बिक एसिड इथर, BST, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, BHA, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, टोकोफेरॉल, ये सब ब्लॉकिंग एजेंट होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन चेन रिएक्शन को ब्लॉक करते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट में आपका सिर्फ एस्कॉर्बिक एसिड होगा, सोडियम बाइसल्फाइड होगा, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड होगा, सोडियम फॉर्मल्डाइड होगा, थायोरिया होगा, ये सब हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जबकि सिनर्जिस्ट में आपका एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड होता है। चिलेटिंग एजेंट में आपका EDTA होता है, एथाइलीन डाइमेंड टेट्रास्टिक एसिड है ना। तो ये अलग अलग प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट से भी क्वेश्चन पूछता है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, रिलेटिव स्वीटनर्स ऑफ सुक्रोज टू सैक्रीन, जी हाँ भैया सुक्रोज और सैक्रीन का जो स्वीटनेस क्राइटेरिया अमाउंट होता है कितना होता है? 1:2 होगा, 1:500 या 1:100 या 1:400, यानी कि सुक्रोज 1 गुना है तो सैक्रीन 200 गुना मीठा होगा या 500 गुना मीठा होगा या 100 गुना या 400 गुना मीठा होगा? भैया हमेशा सैक्रीन शुगर से 500 गुना मीठा होता है, 200 गुना एस्पार्टेम वगैरह होता है ना, तो यहाँ पे 500 गुना मीठा होगा सुक्रोज की अपेक्षा, कौन? सैक्रीन, यानी कि 500 टाइम हमारा 1:500 इसका हो सकता है। एस्पार्टेम 200 गुना होगा, साइक्लामेट 70 गुना होगा, मैनिटॉल 72 गुना मीठा होगा सुगर या सुक्रोज से, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। फोमिंग ड्यूरिंग लिक्विड फिलिंग कैन बी रिड्यूस बाई फॉलोइंग वेज एक्सेप्ट वन, हाँ जी, लिक्विड का फिलिंग कर रहे हो तो वहां फोमिंग झाग वगैरह बनता है, तो उस जो झाग बन रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको निग्लेक्ट करने के लिए ये तीन तरीके हैं, एक तरीका नहीं है, उसी एक तरीका है, उसी एक्सेप्शन को यहाँ पे चूज करना है कि भैया फोमिंग बन रहा है तो उसको घटाने के लिए क्या आप फिलिंग लाइन की स्पीड को बढ़ा दोगे या प्रोडक्ट टर्बुलेंस को मिनिमाइज करना, प्रोडक्ट का जो टर्बुलेंस होता है उसको मिनिमाइज कर दोगे तो फोमिंग नहीं बनेगी। सही बात है।
और क्लोज्ड फिलिंग सिस्टम के द्वारा हम आपके झाग वगैरह जो बन रहा है, जो फोमिंग हो रही है, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं और डीफोमिंग डिवाइस का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हम फिलिंग लाइन का स्पीड बढ़ा दे, उससे झाग बनना कम हो जाए, इसका कोई तुकताल नहीं है। तो यही आपका एक्सेप्शन हो गया कि भैया स्पीड ऑफ फिलिंग लाइन बढ़ाने से फोमिंग बनने की कोई प्रक्रिया में घटाव बढ़ाव नहीं होता। ठीक है डियर, बाकी किससे होता है, किससे होता है? आपका फॉलोइंग तरीका है जो हमारा फोमिंग को रिड्यूस करेगा। कैसे? प्रोडक्ट टर्बुलेंस को मिनिमाइज करना, क्लोज सिस्टम फिलिंग के द्वारा, डिफोमिंग डिवाइस के द्वारा, और रिड्यूस करना जो फिलिंग लाइन है ना, उसका इंक्रीज नहीं, रिडक्शन करना है ना। रिडक्शन करने से फोमिंग कम होगा, बढ़ाने से नहीं। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला है, क्लोरोब्यूटेनॉल इज यूज्ड एज एंटीऑक्सीडेंट, बफरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव या सॉलिबिलाइजर। अभी तो हमने कुछ क्वेश्चन पहले क्लोरोब्यूटेनॉल का किसका एग्जांपल है देखा था, प्रिजर्वेटिव का ही तो एग्जांपल है। तो क्लोरोब्यूटेनॉल एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है, एज अ प्रिजर्वेटिव, न्यूट्रल प्रिजर्वेटिव का टाइप है। एसिडिक में ये सब हो गए, मर्क्यूरियल में ये सब, क्वार्टनरी अमोनियम में ये सब प्रिजर्वेटिव के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है डियर, चलिए आगे चलते हैं। अ सिरप इज सेड टू इन्वर्ट सिरप इफ इट इज हाउ मेनी परसेंट इन्वर्टेड। जी हाँ, सिरप इन्वर्ट शुगर या इन्वर्ट सिरप कब कहलाएगी? जब ये 50% इन्वर्टेड होगी, 20%, 95% या 80% इन्वर्टेड होगी। तो भैया इन्वर्ट शुगर या इन्वर्ट सिरप तभी बोलोगे जब वो 95% इन्वर्टेड होती है वो सिरप। क्लियर है? तो यहाँ पे 95% राइट आंसर होने वाला है, 95% इन्वर्टेड होना चाहिए। ठीक है, तब वो इन्वर्ट शुगर कहलाएगी, है ना। आगे अगला है, द प्रिजर्वेटिव थायोमर्साल इज अ, जी हाँ, थायोमर्साल प्रिजर्वेटिव क्या है? एसिडिक प्रिजर्वेटिव है, न्यूट्रल है, मर्क्यूरियल है या क्वार्टनरी अमोनियम? भैया एसिडिक में तो कुछ और था, क्वार्टनरी अमोनियम में जो आपका बेंजल कोनियम वगैरह था। थायोमर्साल आपका था मर्क्यूरियल प्रिजर्वेटिव का एग्जाम्पल, किसका था? मर्क्यूरियल का था। देख सकते हो, यही टेबल आपको फिर से याद करना है ना, कौन सा प्रिजर्वेटिव यहाँ पे पूछा जा रहा है डियर? मर्क्यूरियल, थायोमर्साल और बेंजिल अल्कोहल है। न्यूट्रल में आपका बेंजिल अल्कोहल, क्लोरोब्यूटेनॉल है। एसिडिक में ये तीनों हो गए चारों, और ये आपका क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड का हो गया। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। विच इज नॉट एन ऑयल सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट। जी हाँ, इनमें से कौन सा ऑयल सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट नहीं है? ऑयल सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। क्या वो ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, सोडियम सल्फाइड या प्रोपिल गैलेट? नहीं है पूछा है, ऑयल सॉल्युबल यहाँ पे नहीं, अगर है तो वो सोडियम सल्फाइड। बाकी तीनों के तीनों ऑयल सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट है। देख सकते हो यहाँ पे ये वाटर सॉल्युबल हो जाएगा, सोडियम सॉल्युबल सल्फाइड वाटर सॉल्युबल है। बाकी ये तीनों के तीनों लिपोफिलिक यानी कि ऑयल सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट के एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सैक्रीन, सैक्रीन के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट। हमने सैक्रीन क्या देखा था, ये 500 गुना मीठा होता है ना, 500 टाइम, तो ये हमारा क्या होगा, सीधा सीधा 500 गुना पे आ जाओ कि कार्सिनोजेनिक होता है, ये तो बात सही है, और 500 गुना स्वीटर होता है सुक्रोज की अपेक्षा, 200 गुना एस्पार्टेम हो गया, 70 गुना कुछ और हो गया, दो है ना। तो ये आपका सैक्रीन के रिगार्डिंग डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है डियर, कार्सिनोजेनिक होता है और 500 टाइम स्वीटर होता है देन सुक्रोज। क्लियर है? सैक्रीन बोला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एज द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वैल्यूज इंक्रीजेज द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट विल डिक्रीजेज या विल इंक्रीजेज या विल रिमेन कॉन्स्टेंट या डिक्रीजेज देन रिमेन कॉन्स्टेंट, बताओ। भैया जैसे ही डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वैल्यू इंक्रीज होगी तो सॉल्वेंट की पोलैरिटी रेट क्या घटेगी, बढ़ेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी या पहले घट जाएगी फिर बढ़ेगी, है ना, बताओ। तो भैया पोलैरिटी हमेशा डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के सापेक्ष बढ़ती है। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट किसी भी सबस्टांस का बढ़ेगा तो सॉल्वेंट की पोलैरिटी भी, वाटर सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। यानी कि हायर द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट द मोल पोलर इट इज। जी हाँ, जितना डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ज्यादा होगा, देखिए यहाँ पे वाटर का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ज्यादा है तो वाटर सबसे ज्यादा पोलर होता है ना, ग्लिसरॉल का, फिर उसके बाद ऐसे कर करके ये डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का चार्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन, देखिए ब्लर हो जा रहा है बार बार, कोशिश करते हैं कि ब्लर ना हो डियर। ठीक है,
क्या है? सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल ऑयल और वोलाटाइल सब्सटेंस इज, जी हाँ वही आपने देखा भी होगा कि भैया वोलाटाइल ऑयल या वोलाटाइल सब्सटेंस का जो सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन वोलाटाइल का इलिक्सर, एरोमेटिक वाटर सॉल्यूशन या स्पिरिट, तो इसे हम बोलेंगे एरोमेटिक वाटर होता है। वोलाटाइल जहां शब्द आ जाए तो हमेशा एरोमा से होता है, एरोमेटिक वाटर हमारा वोलाटाइल ऑयल वोलाटाइल सब्सटेंस का सैचुरेटेड सॉल्यूशन हुआ। इलिक्सर स्वीट हाइड्रोलिक सॉल्यूशन हुआ, सॉल्यूशन तो जानते हो सॉल्वेंट सॉल्यूट रहता है, स्प्रिट तो आप जानते हो अल्कोहलिक ड्रिंक होता है ना, तो ये सारी चीजें देख सकते हो। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? विच सॉल्यूशन शोज द रेट ऑफ डिजॉल्विंग इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। किस सॉल्यूशन में ये देखा जाता है कि जो रेट ऑफ डिजॉल्विंग होता है वो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के इक्वल होगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में देखा जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में देखा जाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में देखा जाएगा, या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में? भैया जो रेट ऑफ डिजॉल्विंग इक्वल होगा रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, वो हमेशा सैचुरेटेड सॉल्यूशन में देखा जाएगा। किस में देखा जाएगा डियर? सैचुरेटेड सॉल्यूशन विल बी द राइट आंसर। जी हाँ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमारा जो सैचुरेशन अमाउंट होता है सॉल्यूशन का, ठीक है, इक्वल होता है रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के डिजॉल्विंग एजेंट। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। सिरप कंटेन यूएसपी सुक्रोज और आईपी सुक्रोज। जी हाँ, सिरप कंटेन 85% वेट बाय वॉल्यूम और 66 ऑफ यूएसपी सुक्रोज या 66.7% वेट बाय वेट आईपी सुक्रोज या 85% वेट बाय वेट। ध्यान देना यहाँ वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट, वेट बाय वेट या वेट बाय वॉल्यूम, ध्यान देना भैया। यूएसपी के अकॉर्डिंग हमेशा 85% वेट बाय वॉल्यूम होता है, इसका ध्यान रखना, और आईपी के अकॉर्डिंग हमेशा वेट बाय वेट होता है 66.7%। ठीक है, इसी में कंफ्यूजन होती है कि भैया सिरप उसे बोला जाएगा जिसका कंसंट्रेशन शुगर का 66.7% वेट बाय वेट होगा वो आईपी के अकॉर्डिंग होगा, और 85% वेट बाय वॉल्यूम वो यूएसपी के अकॉर्डिंग होगा। क्लियर है? वो हमारा सिरप कहलाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा भी जाएगा। चलो आगे चलते हैं। द क्राइटेरिया ऑफ एन आइडियल प्रिजर्वेटिव, एक आइडियल प्रिजर्वेटिव का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? देखो, इट मस्ट बी इफेक्टिव अगेंस्ट अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम माइक्रोऑर्गेनिज्म। जी हाँ, प्रिजर्वेटिव ऐसा होना चाहिए कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वो लड़ सके, वो उनको ग्रो करने से रोक सके। ये हो गया, बिल्कुल सही बात है। इट मस्ट बी फिजिकली केमिकली एंड माइक्रोबायोलॉजिकली स्टेबल फॉर लाइफ टाइम ऑफ प्रोडक्ट। जी हाँ, अगर प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव डाल रहे हो तो वो फिजिकली केमिकली माइक्रोबायोलॉजिकली जब तक प्रोडक्ट का एक्सपायरेशन डेट नहीं है तब तक वो स्टेबल होना चाहिए, है ना, तो ये भी सही बात है प्रिजर्वेटिव के रिगार्डिंग। और है, इट मस्ट बी नॉन सेंसिटाइजिंग कंपेटिबल विथ अदर फॉर्मुलेशन। नॉन सेंसिटाइजिंग होना चाहिए, अदर फॉर्मुलेशन साथ कंपेटिबल होना चाहिए, यानी कि तीनों के तीनों क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक क्राइटेरिया प्रिजर्वेटिव का होना चाहिए। यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव को हम लगा देते हैं, क्लियर है? ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट होगा कि भैया सभी प्रकार के ब्रॉड स्पेक्ट्रम माइक्रोऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इफेक्टिव हो, फिजिकली केमिकली स्टेबल हो, लाइफ टाइम रहे, नॉन टॉक्सिक हो, नॉन सेंसिटाइजिंग हो, ताकि वो कंपेटिबल हो सबके साथ, सब प्रोडक्ट के साथ। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लेवर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर टेस्ट। कौन सा फ्लेवर खट्टे टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, नहीं पूछा गया है? क्या वो सिट्रस फ्लेवर, लिकोराइस, रास्पबेरी या मिंट? भैया सोर टेस्ट आपका सिट्रस भी देगा, लिकोराइस भी देगा, रास्पबेरी भी देगा, मिंट नहीं देगा। मिंट आपका सोर टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, मिंट आपका बिटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जबकि सोर में आपका सिट्रस, लिकोराइस, रास्पबेरी ये सब हो जाएगा। इंडस्ट्रियल फार्मेसी से आप इसे देख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? बेंजल कोनियम क्लोराइड यूज एज ए प्रिजर्वेटिव इन फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन इन द कंसंट्रेशन ऑफ। जो बेंजल कोनियम क्लोराइड हमारा फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन में एज ए प्रिजर्वेटिव यूज किया जाएगा, कितने कंसंट्रेशन में यूज करोगे? 0.01 से 0.02% यूज करोगे, 0.004 से 0.02%, 0.2 से 1% या 0.002 से 0.005%? तो भैया हमेशा बेंजल कोनियम क्लोराइड किसी भी फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन में 0.004 से 0.02% के अमाउंट में ही, कंसंट्रेशन में ही डाला जाता है। ठीक है, बेंजल कोनियम क्लोराइड, सेट्रिपिडियम 0.01 से 0.02, इसी तरीके से एसिडिक और न्यूट्रल और मर्क्यूलियर में सबका कंसंट्रेशन आप यहां से इस चार्ट से नोट डाउन कर ले सकते हो, याद कर सकते हो। क्लियर है? चलिए
आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से क्या होने वाला है, सैलिसिलिक एसिड कोलोडियंस यूज्ड एज अ, जी हाँ, जो सैलिसिलिक एसिड कोलोडियन होगा वो यूज किया जाएगा एज अ कीरेटोलाइटिक एजेंट, एज यूजफुल इन मसाज या ट्रीटमेंट ऑफ कफ या इमोलियंट की तरह। तो भैया सैलिसिलिक एसिड कोलोडियन कीरेटोलाइटिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, जी हाँ, कीरेटोलाइटिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है सैलिसिलिक एसिड का कोलोडियन। क्लियर है? चलिए, तो ये थे आपके टोटल 50 एमसीक्यू मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म से 50 एमसीक्यू ऐसे जो कि पिछले फार्मासिस एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले इस फार्मासिस एग्जाम में आ सकते हैं डियर, ठीक है। उम्मीद होगी ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा, और जितने भी सब्जेक्ट की मैराथन सीरीज है सबको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके, प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां से आप विजिट कर सकते हो, देख सकते हो डियर, ठीक है। उम्मीद होगी आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू सभी लोगों को जुड़ने के लिए। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले एमसीक्यू सीरीज के साथ। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे।